जी हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, फर्स्ट इवेल्यूएट करना है। ठीक है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्या दे रखा है साइन 18 डिग्री। ठीक है, तो साइन 18 डिग्री अपॉन में देखो ये अपॉन में नीचे क्या है 72 डिग्री, क्या दे रखा है 72 डिग्री। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर लिखता हूँ साइन, ठीक है साइन, यहाँ से अगर मैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री कर दूँ, ठीक है, और कॉस 72 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि जो हमारा इसका क्या होता है साइन, साइन क्या होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा मान लो या फिर ए कुछ भी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है हमारा कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अगर 90 माइनस किसी थीटा करते हैं तो हमारे यहाँ से क्या आता है ये कॉस के इक्वल होता है। अगर यहाँ पे कॉस होता तो फिर यहाँ पे क्या होता, अगर कॉस होता यहाँ पे फिर साइन होता। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, यानी कि हमारे यहाँ से क्या आ गया कॉस 70, यानी कि कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा, यानी कि कॉस थीटा, यानी कि कितना आ जाएगा ये 72 डिग्री अपॉन में क्या है कॉस 72 डिग्री। ये कितना आ गया फिर, ये हमारे यहाँ से कट जाएगा, तो यानी कि इसकी वैल्यू कितना आ गया 1। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, दे रखा है टेन। ठीक है, क्या दे रखा है ये हमारे पास टेन, ठीक है टेन 26 डिग्री अपॉन में क्या दे रखा है कोट 64 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा जो क्या है, यहाँ पे 64 है, यानी कि मैं नीचे 64 किससे करूँ, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ टेन फिर से क्या करूँगा 90 में से माइनस करूँगा, कितना ये 64 अपॉन में क्या आ जाएगा कोट 64 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि नीचे अगर जो जितना हो ना, एक बार जैसे 64 दे रखा है कोई भी वैल्यू दे रखा है, तो उसमें से 90 को कितना करो माइनस करोगे तो ये इतना आ जाएगा। वैसे रफ में एक बार करके देखना, लेकिन वही आता है। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या लगेगा फिर टेन 90 डिग्री माइनस ए, यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा कोट ए। ठीक है, ये फॉर्मूला लग जाएगा ये। ठीक है, यानी कि हमारा ये आ गया, यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा ये टेन सॉरी कोट 64, ए की जगह पे कितना है 64, तो 64 डिग्री अपॉन में ये नीचे क्या है कोट 64 डिग्री, ये कट के क्या आ जाएगा यहाँ से 1, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, मैंने क्या किया ये इसको जो 90 में से क्या करा माइनस कर दिया 64 को, तो यानी कि ये 26 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्या करा 26। ठीक है, तो यानी कि हमारा ये नीचे से, और ये हमारे पे ये फॉर्मूला होता है, ये होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। ठीक है, तो यानी कि हमारा ये क्या आ गया 90 माइनस ए, यानी कि हमारा ये किसके इक्वल होता है कोट ए के इक्वल होता है, तो मैंने इसकी जगह पे ये लिख दिया, फिर नीचे हमारा जो कोट 64 था तो ये हमारा कट जाएगा। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, और हमें देखो यहाँ से इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ से जो कोस, अगर कोस 48 डिग्री है तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ कि हमारे यहाँ से अगर मैं इसको साइन 42 देखो कैसे होगा कोस, ठीक है क्या हो जाएगा ये कोस 92। ठीक है, क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा इसको 42 डिग्री, ठीक है माइनस साइन 42 डिग्री। अब यहाँ से देखो ये हमारा क्या बन गया कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। यहाँ से हमारा ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि हमारा क्या आ गया 0, यानी कि हमारा ये इसकी वैल्यू कितना आ गया 0। यहाँ पे हमने क्या कौन सी यूज करा, हमने यहाँ पे ये लगा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि हमारा ये क्या आ गया साइन थीटा। ठीक है, ये अब हमारे पास यानी कि थर्ड हमारा भी सॉल्व हो गया। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, फोर्थ में दे रखा है, फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट में दे रखा है कि जो हमारा कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा ये देखो कोसेक को मैं कैसे लिख सकता हूँ कोसेक, ठीक है कितना 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, ठीक है ठीक माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से देखो कोसेक का क्या हो जाएगा ये सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री,
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, फिर कट के ये हमारा क्या आ जाएगा, जीरो। अब यानी कि हम देखो मैंने क्या कर रहा था, ये नहीं हमारा ये क्या हो जाएगा कोशेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है सेक थीटा, ये होता है। तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे। अब ये क्या होता है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या करा कि जब भी यहाँ पे अगर जब भी यहाँ पे क्या हो क्या हो, अगर इसको अगर ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे sec था, इसको मैं क्या सकता हूँ sec को किस में कन्वर्ट कर लूंगा, cosec थीटा में, किससे 90 से माइनस करके, sec को cosec में कर लो या cosec को sec में कर लो, हमारा यहाँ से आ जाता है, ठीक है। तो मैंने यही करके हमारा ये वैल्यू पुट कर दिया एक का, फिर हमारा ये सॉल्व कर लेते तो हमारा क्या आ गया, जीरो आंसर आ गया। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।